उसी कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट होने के बाद एक दिन के बाद बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे वापस आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी लेने के लिए। जब यह हादसा हुआ था बहुत सारे लोग अपनी जान को हाथ में डालते हुए यहाँ से भाग निकले थे और अब वापस आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी लेने के लिए। बहुत सारी सिक्योरिटी बीफ अप हो चुकी है यहाँ पे, बहुत सारी चेक्स भी हो रही है उनको अंदर अलाउ करने से पहले। और सारी रात बहुत सारे एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन में जुड़े थे, सेंट्रल एजेंसीज से लेके केरला की स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम तक। दो तरह की एंगल्स एक्सप्लोर करते हुए, एक है टेरर एंगल और दूसरी जो है एक शख्स जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, जिसने पुलिस से सरेंडर करते हुए ये बताया कि वो यहोवा विटनेसेस ग्रुप की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। उसकी तरह तरह की इंट्रोगेशन हो रही है और उनके घर में जाके तलाश भी हुई थी और उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हुए ये कॉरोबरेट कर रहे हैं कि उसकी स्टेटमेंट और यहाँ की एविडेंस जो है वो पीस टुगेदर करते हुए इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। और दूसरी तरफ केरला के सीएम जो है आज एक ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हुए यहाँ पे आए थे और ब्लास्ट साइट और हॉस्पिटल में इंक्वायरी करके यहाँ की जो रिपोर्ट है वो वापस लेके गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे वाली स्टेप्स क्या क्या लेंगे। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, कोची में NDTV इंडिया के लिए।